तो धीरे धीरे मार्केट्स में लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है। वैसे इतने दिनों तक बिल्कुल खाली थी मार्केट, कोई आदमी मार्केट में देखने को नहीं मिलता था, और अभी थोड़े थोड़े लोग जो हैं नियर बाय के आना शुरू हो गए हैं। दूर दराज के लोग मार्केट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि मेन रोड जो हैं वो पूरी तरह से टूट चुके हैं और अभी उन्हें ठीक होने में काफ़ी टाइम लगेगा। और सड़कें भी बिल्कुल देखिए सुनसान है, कोई बस आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी देखने के लिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि 7-8 दिनों से सरखा घाट में पानी नहीं आ रहा है और लोग जो है ना, ये यहाँ पर हमारे बावड़ियाँ हैं, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर कपड़े धोने के लिए पानी ले जाने के लिए आते हैं। पर हमारे को तो शुक्र करो कि बहुत नज़दीक हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का। तो काफ़ी लंबे समय के बाद ना मार्केट जाना हुआ, तो ऋषि के लिए थोड़ा सा सामान लाना था, थोड़ा सा अपने लिए। और मार्केट के हाल तो काफ़ी ख़राब हैं, मार्केट ज़्यादा भीड़ भड़ाका तो था नहीं क्योंकि रोड्स तो अभी ब्लॉक हैं। तो मेरा और ऋषि का सैर सपाटा भी हो गया अब, और मेरा अभी बहुत काम जो है ना मेरे इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे भी वीकेंड्स में होते हैं ना तो हम लेडीज़ को बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी बच्चों की फरमाइश होती है वो पूरी करनी होती है, और साथ ही साथ में अपने किचन की अपनी डीप क्लीनिंग करनी होती है। डीप क्लीनिंग से मतलब अगर हम क्लीनिंग से ही ले लें तो नहीं होता, बहुत सारी क्लीनिंग करनी होती है, हर एक चीज़ हर एक कोना टच करना होता है और पूरे हफ्ते के लिए अपने किचन को साफ़ करना होता है। तो आज मुझे अपनी गैस से लेकर अपनी सेल्फ से लेकर अपनी वॉल से लेकर हर एक चीज़ मुझे साफ़ करनी थी। तो मैंने अपनी वॉल्स के ऊपर लगा रखा है वॉलपेपर और उनको भी क्लीन करना काफ़ी ईजी रहता है। और उसके बाद अपने गैस की हर एक चीज़ को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, और मैं अपनी गैस के नीचे हमेशा जो है इस तरह की दो थालियां रखती हूँ कि जब कभी मैं दाल वगैरह बनाऊँ तो कुछ भी बनाऊँ तो वो नीचे ना घिरे, अगर घिरे भी तो इसमें आए। और ये टोकरी, इसको भी मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, तो इसकी क्लीनिंग भी मुझे करनी है, तो इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। और इसको जो है ना, जब भी मैं सामान रखती हूँ उससे पहले इस तरह के डिस्पोजल प्लेट्स जो हैं वो मैं यहाँ पर बिछा लेती हूँ ताकि जब भी मुझे इसकी क्लीनिंग करनी हो तो चुपचाप से अपनी ये प्लेट्स निकाली और इसकी क्लीनिंग जो है अच्छे से कर ली। और ये देखिए अपनी हर एक बॉटल, हर एक कंटेनर जो है मैंने अच्छे से क्लीन करके इस बकेट को जो है रख दिया है। ये मेरी डेली नीड का सामान है जो मैं इस बकेट में रखती हूँ। किचन की साफ़ सफाई के साथ साथ जो है मुझे ये अपने फ़िल्टर की साफ़ सफाई भी करनी थी क्योंकि इस आजकल बरसात में पानी जो होता है ना वो काफ़ी मिट्टी वाला होता है और वो कैंडल्स में फंस जाती हैं, तो कैंडल की साफ़ सफाई, अपने ड्रम की साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो मैं वीक के एंड में जो है अपने फ़िल्टर की, अपने ड्रम की साफ़ सफाई कर लेती हूँ और अच्छा सा पानी इसमें स्टोर करके रख लेती हूँ। तो चलिए, ये तो हमारी सारी की सारी चीज़ें जो है हो चुकी हैं साफ़। अब मैं सारे कामों से हो गई थी फ्री और सोच रही थी कि आज ना कुछ क्रिएटिव वर्क जो है मैंने नहीं किया है, तो चलिए कुछ क्रिएटिव किया जाए। तो ये मेरे पास जूस का एक कैन था जो कि खाली हो चुका था और उसको मैं यूज़ करने वाली हूँ कुछ DIY बनाने के लिए। तो ये देखिए मैंने धो के अच्छे से इसको जो है साफ़ सुखा लिया है अंदर से ताकि ये गीला ना रहे, और उसके बाद ये जो इसकी कैप है इसको मैं यहीं पे लगे रहने दूंगी। इसको हम हैंग करना चाहे तो उसमें भी काम आ सकता है, नहीं तो इसको हम ऐसे भी अंदर रख सकते हैं। तो ये मैंने फोल्ड करके रख लिया है, और ये वेस्ट चीज़ें होती हैं ना वो हमारे कहीं ना कभी कभी ना कभी काम आती हैं। तो ये देखिए ये गिफ्ट पेपर्स हैं जो कि गिफ्ट के साथ आए होते हैं और मैं उनको फेंकती नहीं हूँ, हमेशा स्टोर करके रख लेती हूँ। और आज ये मेरे गिफ्ट पेपर जो है ना मेरे काम आने वाले हैं अपना DIY बनाने में। तो इसको मैं इस तरह से लगाने वाली हूँ, देखिए फेविकॉल की हेल्प से मैंने डब्बे के चारों ओर इसको अच्छे से रैप कर लिया है जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। वैसे सिंपल भी हम इसको यूज़ करना चाहें तो अच्छा है, बट मैं थोड़ा सा इसको डेकोरेट करना चाहती हूँ क्योंकि डेकोर चीज़ जो है बहुत ही सुंदर लगती है। तो उसके लिए मेरे पास ये इस तरह का एनवलप है जो कि हम सगन देने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये एनवलप मेरे किसी काम का नहीं है क्योंकि इसके ऊपर देने वाले का नाम पता लिखा हुआ था, तो मैं सोच रही हूँ कि ना इसका जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको मैं यूज़ कर लूँ और बाकी की भी चीज़ें जो है मैं यूज़ ही करने वाली हूँ। इसका बॉर्डर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने इसका ये बॉर्डर निकाल लिया है और अपने जो डब्बा है इसमें लगाने वाली हूँ मैं बॉर्डर।
तो बहुत ही अच्छा सा यूनिक सा जो है ये डिज़ाइन लग रहा था। ये देखिए कितना अच्छा जो है इसका बॉर्डर लग रहा था, एंड सेकंड वाले बॉर्डर को भी मैंने कट करके इस डब्बे में लगा लिया और ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो दोनों साइड मेरे बॉर्डर लग चुके हैं, अब बारी है इस पीस की। इस पीस को मैंने इसमें पेस्ट कर लिया था, इसमें भी अच्छा सा अपने आप डिज़ाइन बन चुका था और बाद में मैंने इसमें स्माइली बना दिया था, कटलरी लिख दिया था और उसके बाद मैं इस गिलास में जो है अपने कटलरीज रखती थी इसको मैंने इसमें डाल दिया और उसके बाद मैंने इस गिलास को उठाया और इस डब्बे के अंदर डाल दिया। अब ये गिलास वैसे घिरता रहता था बार बार, पर अब ये बिल्कुल नहीं गिरेगा और देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो क्या बोलते हैं, कैसा लगा आपको मेरा DIY कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। साथ ही साथ में अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आप लोगों का एक छोटा सा सपोर्ट हम लोगों को एक सीढ़ी ऊपर ले जाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और सारे दिन की थकावट को मिटाने के लिए ना मैं चाय बनाकर, यहाँ हम छत के ऊपर आ गए थे श्रीमान जी और मैं, यहाँ पर बैठ के आसपास का व्यू भी इंजॉय कर रहे थे, ठंडी ठंडी हवा का मज़ा भी ले रहे थे और साथ साथ में हमारी गपशप तो हमेशा चली ही रहती है। और वैसे भी जो है अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस टाइम में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ में सारे दिन की जो जो भी गतिविधि रहती है ना उसको हम डिस्कस करते हैं एंड आगे की फर्दर जो हमें प्लानिंग होती है ना वो सारी करनी होती है और यहाँ वहाँ की छोटी मोटी गपशप भी हम यहाँ पर बैठ के कर लेते हैं। मम्मा को कितना काम है, बच्चों को उससे कोई लेना देना नहीं होता, उन्हें तो अपनी फरमाइश जो है पूरी करानी होती है। और इस वीकेंड जो है ऋषि की फरमाइश थी कि इस बार आपने जो है ना मम्मा मैंगो का जैम नहीं बनाया, साथ ही साथ में आम पापड़ भी ना नहीं बनाए हैं और सीज़न जो है अब ख़त्म होने वाला है तो आप कब बनाएंगे कब बनाएंगे, काफ़ी दिनों से रट लगाए हुए था। तो आज फाइनली मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल के ये जो है रेडी कर लिया है, पल्प निकाल के एक फाइन सा जो पेस्ट है वो बना लिया है और दोनों चीज़ें ना मैं साथ साथ में ही बना दूंगी क्योंकि दोनों के लिए बराबर टाइम लगेगा। तो जब मैं गैस के पास खड़ी हूँ तो एक क्यों ना दोनों चीज़ें साथ साथ बना लूँ, तो इससे मेरा टाइम भी बच जाएगा और मेरी दो चीज़ें जो है ना एक साथ बन जाएगी। अगर वैसे हम जैम लेने के लिए जाएँ ना तो मार्केट में काफ़ी महंगा बनता है पड़ता है, पर जो अपने घर में बनी होती है ना चीज़ें वो बहुत ही अच्छी होती हैं, उसमें कोई केमिकल नहीं होता है, किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती है। तो ये देखिए मेरा बन रहा है यहाँ पे आम पापड़ और इससे आम पापड़ मैंने डाल दिया है चीनी और साथ में डाला है मैंने ब्लैक सॉल्ट और बस अब इसको बनाने में कम से कम 20 से 25 मिनट जो है लगने वाले हैं ताकि एक अच्छा गाढ़ा सा जो है ना इसमें थिकनेस जैसी आ जाए, तब तक मुझे इसे पकाना है। और जब तक ये पक रहा है तब तक साथ साथ में मैं जैम भी जो है चढ़ा दूंगी और दोनों चीज़ें मेरी एक साथ बन जाएगी। तो ये देखिए एक साइड मेरा जैम बन रहा है, एक साइड मेरा आम पापड़ बन रहा है और टाइम दोनों के लिए सेम लगने वाला है। तो ये देखिए हमारा घर का बना हुआ जैम भी बन चुका है और अब यहाँ पर तैयारी हो रही है आम पापड़ की। तो आम पापड़ के लिए मैंने थालियाँ ले ली हैं, उसमें घी लगा लिया, अच्छे से फैला लिया और फिंगर की हेल्प से ही फैलाया है और अब बस इसमें जो मेरा पेस्ट है उसको मैं डाल दूंगी, पूरे अच्छे से फैला दूंगी और धूप में सुखा कर जो है फिर अपने पास स्टोर करके रख लूंगी और जब दिल करे बच्चों का तब वो ईजली जो है इनको खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको रेसिपी अच्छी लगे तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, अभी सीज़न है, आम मिल रहे हैं मार्केट में तो आप भी बना लीजिए। और मैं तो अंदर कर रही थी अपना काम और बाहर देखिए ऋषि और ऋषि के पापा क्या काम में लगे हुए हैं। एक्चुअली श्रीमान जी चढ़ा रहे हैं ऋषि को पेड़ के ऊपर और पेड़ के ऊपर हो गया है ऋण। ऋण होता है एक अलग किस्म का घास जो कि पेड़ों के ऊपर अपने आप लग जाता है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता, तो उसको पेड़ से अलग करना पड़ता है। तो उसी लिए ना ऋषि को चढ़ाया है पेड़ के ऊपर ताकि वो काट ले और साथ साथ में हम अपने बच्चों को ये काम जो है सिखा भी देते हैं पेड़ के ऊपर चढ़ना कैसे है, क्योंकि एक तो हमारा पहाड़ी इलाका है भाई, पेड़ के ऊपर चढ़े बिना तो हमारा काम नहीं चलता है। तो सारा दिन घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिली तो यहाँ वहाँ आना जाना तो होता नहीं है, ना ही अपने आस पड़ोस में जाने का मौका मिलता है। पर कोई बात नहीं, अगर पड़ोस में वहाँ तक नहीं जा सकते तो हम दूर दूर से गपशप कर लेते और इससे हमारी अपने पड़ोसियों के साथ बॉन्डिंग भी अच्छी रहती है। लगना भी पता भी बैठ दो या गप्पा मारना। हाँ, ये देखो आया लो कर रहे हैं आपको भाई। बातचीत चाहे दूर से हो चाहे पास से हो, कर जरूर लेनी चाहिए। गया चंडीगढ़ दाएं।
ਜਗਦਾਨੀ ਸੁਰਗਾਣੀ ਚਸਕਾ ਲੱਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਏ ਦਿਲ ਲਗਦਾਨੀ ਸੁਰਗਾਣੀ ਹੋਣ ਜਮ ਦੀ ਮਿੱਤਰੋ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਦੀ सुनम सुनिया बाटा अज सुनम सुनम टपरू मित्रो सुनम सुनिया बाटा हरे मित्रो मिलनी नहीं हानिया लगया चंडीगढ़ दा लगदा नहीं सुरगानी हावा हुण नहीं गम दी मित्रो ना मगरू दा पानी। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे इंजॉय हो रहा है टाइम, लाइट हमारे है नहीं है और श्रीमान जी और ऋषि देखिए पूरे मजे ले रहे हैं आज तो। जो आंदे नी जोले या जोले आंदे पेशाब मेरे खांदे बात बटोरो नी खांदे जावर घर चंदा मित्रो ते बटोरो नी खांदे। शायद आपको इन दोनों को देखकर ना काफ़ी हंसी आ रही होगी कि ये कैसा टाइम पास है यार भाई। संगीत होती ही एक ऐसी चीज़ है कि संगीत को सुनते ही ना अपना भी गुनगुनाने का मन करता है और संगीत में गुम होकर हमारी जो टेंशन होती है, थकावट होती है ना, वो चुटकियों में दूर हो जाती है। तो चाहे आप जितने मर्जी दिन के थके हो ना, इस तरह से थोड़ा सा रिलैक्स कर लो और इन्जॉय कर लो तो सारी थकावट दूर हो जाती है। और सबसे बड़ी जो बात होती है ना, जब बच्चे और माँ बाप आपस में इस तरह से घुल मिल जाते हैं ना, तो उससे एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि बच्चे जो है अपनी छोटी से छोटी बात अपने पेरेंट्स का साथ शेयर करते हैं और हम भी अपने बच्चों के साथ बिल्कुल फ्रेंडली रहते हैं, उनकी हर एक छोटी बड़ी बात जो है सुनते हैं, समझते हैं, उनको गाइड करते हैं और जो है अच्छे रास्ते के ऊपर चलने की बच्चों को सलाह देते हैं। तो फिर क्या होता है कि बच्चा जो है कभी भी भटकता नहीं है, उसे अपनी बात को शेयर करने के लिए यहाँ वहाँ नहीं जाना पड़ता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे जो अपनी पर्सनल बातें होती हैं यहाँ वहाँ शेयर करते हैं तो उनसे उनको कई बार जो है ब्लैकमेल भी होना पड़ता है। तो मेरा तो अपना मानना है कि अपने बच्चों के साथ बिल्कुल फ्रेंडली रहना चाहिए, उनकी हर एक छोटी बड़ी बात सुननी चाहिए, उन्हें अच्छी से गाइडलाइन देनी चाहिए और सही रास्ते पर चलने की सीख देनी चाहिए। नहीं तो आज हमारे समाज में आए दिन आप देख रहे हैं कि नशा कितना बढ़ रहा है और उससे कितनी जो है हमारे नौजवान बच्चों की डेथ जो है हो रही हैं। तो फ्रेंड्स मेरा तो अपना ये मानना है, आपका क्या मानना है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चलिए हम लोग तो करते हैं अंधेरे को इंजॉय और आप भी कीजिए अपनी लाइफ को इंजॉय और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा, पापा एंड टेक केयर।